हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू के लच्छे पकोड़े, जो ना बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और जिसे ना आप कभी भी बनाकर बिल्कुल फटाफट बनाकर रेडी कर सकते हैं, और ये ना बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए फटाफट हम भी बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आलू के लच्छे पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ के आलूओं को इस तरीके से लंबा लंबा कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद फिर मैंने इसे ना अच्छे से 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, जिससे इसका पूरा स्टार्च जो है निकल चुका है, और उसके बाद ना मैंने इसे अच्छे से निथार दिया था पानी इसका सारा। तो उसके बाद मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। तो बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाल रही हूँ। और फिर इसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच जो है मैदा ऐड कर देंगे, आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। तो बस हाथों की मदद से अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसे जो है मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेके और इस तरीके से मैं इसे दबा लूँगी। तो ये देखिए, ये पकौड़े का शेप बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस मैंने तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं पकौड़े डालते जाऊँगी। आप जिस भी शेप में चाहें उस शेप में इसे बना सकते हैं, आप गोल गोल बनाना चाहें उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। मैं इस तरीके से इन्हें दबा दबा कर इस तरीके का पकोड़े का शेप दे रही हूँ मैं इसमें। तो ये देखिए, मैं इसमें अब जो है ना सारे पकोड़े इसमें डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सारे पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो बस ये जब ये हल्के से सिक जाए ना, तो फिर इन्हें हम पलट कर दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, बस पकोड़ों को ना अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बिल्कुल भी बगर नहीं रहे हैं, एकदम टूट नहीं रहे हैं, कितने अच्छे पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे पकोड़ों में। तो बस ये दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ना मैं बाकी पकोड़े भी फ्राई कर रेडी कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, हमारे आलू के लच्छे पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखें। और फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।